हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट का टॉपिक है टॉपिकल मेडिकेशन एप्लीकेशन। ड्रग आर अप्लाइड टॉपिकली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मेनली फॉर लोकल एक्शन। लोकल एक्शन के लिए, ड्रग के लोकल एक्शन के लिए ड्रग को टॉपिकली अप्लाई किया जाता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे। तो कौन कौन से टॉपिक एप्लीकेशन के टाइप हैं, जैसे कि स्किन एप्लीकेशन, नेजल इंस्टीलेशन, आई इंस्टीलेशन, ईयर इंस्टीलेशन, रेक्टल इंस्टीलेशन एंड वेजाइनल इंस्टीलेशन। सबसे पहले देखते हैं स्किन एप्लीकेशन। स्किन एप्लीकेशन आर अप्लाइड यूजिंग ग्लव्स। बिफोर अप्लाइंग मेडिकेशन क्लीन द स्किन थोरोली। जब स्किन एप्लीकेशन को अप्लाई किया जाता है उससे पहले ग्लव्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ग्लव्स हम पहनने के बाद में ही जो मेडिकेशन है वो स्किन पे अप्लाई की जानी चाहिए। अप्लाई व्हेन अप्लाइंग स्किन एप्लीकेशन स्प्रेड द मेडिकेशन इवनली ओवर द इन्वॉल्व सरफेस एंड कवर द एरिया वेल, ठीक है। सारे एरिया को कवर करते हुए इवनली स्किन पे अप्लाई करनी चाहिए। टॉपिकली स्किन और डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन इंक्लूड ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, लोशन, पाउडर, स्प्रे एंड पैचेस। प्रोसीजर थे अप्लाई स्किन प्रिपरेशन। तो क्या प्रोसीजर होगा जब स्किन पे अप्लाई की जाती है मेडिकेशन? सबसे पहले पाउडर कैसे अप्लाई करेंगे? मेक श्योर द स्किन सरफेस इज ड्राई, ठीक है, स्किन ड्राई होनी चाहिए। और स्प्रेड ए पार्ट यानी स्किन फोल्ड पे भी मेडिकेशन जो है, पाउडर जो है वो स्किन फोल्ड पे भी है जो स्प्रेड करना चाहिए। स्प्रिंकल द पाउडर अंटिल द एरिया इज कवर्ड विद द फाइन थिन लेयर ऑफ पाउडर, ठीक है। पाउडर का स्प्रिंकल जब तक करना चाहिए जब तक कि स्किन पे उसकी थिन लेयर ना बन जाए। कवर द साइट विद द ड्रेसिंग इफ ऑर्डर, ठीक है। और अगर ऑर्डर में अगर ये है कि पाउडर लगाने के बाद में स्किन साइट को कवर करना है तो उसके बाद में कवर करनी चाहिए ड्रेसिंग के थ्रू। नेक्स्ट है लोशन। शेक द कंटेनर बिफोर यूज। तो लोशन का कंटेनर यूज करने से पहले शेक कर लेना चाहिए, ठीक है। पुट ए लिटिल लोशन ऑन द स्मॉल गोज ड्रेसिंग, ठीक है। स्मॉल गोज ड्रेसिंग के ऊपर थोड़ा सा जो लोशन है वो लेना चाहिए, या फिर गोज पैड पे भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्किन पे अप्लाई करना चाहिए बाय स्ट्रोकिंग के द्वारा स्किन पे अप्लाई करना चाहिए है लोशन को, ठीक है। और इवनली इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। उसके बाद में क्रीम एंड ऑइंटमेंट एंड पेस्ट। टेक द मेडिसिन इन ग्लव्ड हैंड, ठीक है। ग्लव्ड हैंड में मेडिसिन को लेना चाहिए। उसके बाद में इवनली सारी स्किन पे स्प्रेड करने कर देना चाहिए यूजिंग लॉन्ग स्ट्रोक इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ। अप्लाई ए स्टेराइल ड्रेसिंग इफ ऑर्डर बाय द फिजिशियन। उसके बाद में एरियोसोल स्प्रे। सेक द कंटेनर वेल टू मिक्स द कंटेंट, ठीक है। होल्ड द स्प्रे कंटेनर एट द रिकमेंडेड डिस्टेंस फ्रॉम द एरिया, यूजली 15-30 सेंटीमीटर। कवर द क्लाइंट फेस विद ए टॉवल इफ द अपर चेस्ट और नेक इज टू बी स्प्रे, ठीक है। जो एरियोसोल स्प्रे है उसको वेल मिक्स करना चाहिए कंटेनर को यूज करने से पहले। उसके बाद में जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे रखे ही स्प्रे किया जाना चाहिए। जैसे कि जो है 15-30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है, ठीक है। और अगर अपर चेस्ट पे या नेक पे अगर स्प्रे करना है तो पेशेंट के क्लाइंट को टॉवल के थ्रू कवर कर देना चाहिए, ठीक है। स्प्रे द मेडिकेशन ओवर द स्पेसिफिक एरिया। ट्रांसडर्मल पेचेस। सेलेक्ट ए क्लीन ड्राई एरिया दैट इज फ्री ऑफ हेयर। रिमूव द पेचेस फ्रॉम इट प्रोटेक्टिव कवरिंग, होल्डिंग इट विदाउट टचिंग द एडिसिव एजेस एंड अप्लाई इट बाई प्रेसिंग फर्मली विद द पाल्म ऑफ हैंड ऑफ अबाउट 10 सेकेंड। जो ट्रांसडर्मल पेचेज हैं तो उनको अप्लाई करना चाहिए, करने के लिए एक क्लीन और ड्राई एरिया पे ही उनको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे एयर फ्री एरिया होना चाहिए, ठीक है। और
जो एडिसिव टेप है उसके जो सॉरी जो पेच है उसके जो एडिसिव एजेस है वहाँ से उसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद में स्किन पे उसको अप्लाई करने के बाद में फर्मली प्रेस करना चाहिए उसको, ठीक है, अबाउट 10 सेकेंड तक। एडवाइस द क्लाइंट टू अवॉइड यूजिंग ए हीटिंग पैड ओवर द एरिया, ठीक है। तो वहाँ उस एरिया पे हीटिंग पैड का यूज करने से कि जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, पेशेंट को बोलना चाहिए कि वहाँ पे हीटिंग पैड का यूज ना करें, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहेगा, ठीक है, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा मेडिसिन का। एंड द रिमूव द पेच एट द एप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है, एप्रोप्रिएट टाइम पे पेच को रिमूव कर लेना चाहिए, ठीक है। फोल्डिंग द मेडिकेटेड इनसाइड टू द इनसाइड सो इट इज़ कवर्ड, ठीक है। जो मतलब ये जो पैचेस होते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं इनके अंदर मेडिसिन होती है, ठीक है, मेडिसिन कंटेंट पैचेस होते हैं ये, ठीक है। तो क्या होता है जब इनको स्किन पे अप्लाई किया जाता है, इस तरह से इनको स्किन पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इनको स्किन पे जब अप्लाई किया जाता है तो इसमें जो मेडिसिन होती है वो थ्रू स्किन सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और सर्कुलेशन में चली जाती है। उसके बाद में डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड गार्गल, गार्गलिंग इज द एक्ट ऑफ बबलिंग ए लिक्विड इन द माउथ टू रिड्यूस द सोर थ्रोट, द हेड इज टिल्टेड बैक एंड अलाउइंग ए माउथ और लिक्विड टू सीट इन द अपर थ्रोट, ठीक है। तो गार्गलिंग जो होते हैं, ठीक है, जिनको कि हिंदी में बोलते हैं गरारे, ठीक है, जिनका क्या होता है, ये एक बबलिंग एक्ट ऑफ बबलिंग है लिक्विड का, तो जो जो सोर थ्रोट होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए गार्गलिंग की जाती है, ठीक है। इसके अंदर हेड को टिल्ट बैक किया जाता है, ठीक है, और माउथ के अंदर लिक्विड को लेने के बाद में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटी लाइक सपोजिटरी, ठीक है, ड्रग्स का बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्शन करना। तो सपोजिटरी होती है वो एक मेडिकेटेड सॉलिड डोजेस फॉर्म में होती हैं जो कि रेक्टम, वेजाना या यूरेथ्रा में इंसर्ट की जाती है, ठीक है, और वेजाइनल सपोजिटरी को पेसरीज बोलते हैं और यूरेथ्रल सपोजिटरी को बगीज बोलते हैं, ठीक है, और रेक्टल सपोजिटरी देखते हैं। तो रेक्टल सपोजिटरी क्या होता है कि इंसर्टेड मेडिकेशन इनटू द रेक्टम फॉर्म ऑफ सपोजिटरी, तो सपोजिटरी के फॉर्म में मेडिकेशन को इंसर्ट किया जाता है रेक्टम में। इसका क्या प्रोसीजर होता है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है पेशेंट को विद द अपर लेग फ्लेक्स्ड एंड एक्सपोज द बटेक्स, ठीक है, वियर ग्लव्स एंड अनरैप द सपोजिटरी एंड लुब्रिकेट द सपोजिटरी, ठीक है। पेशेंट को पोजीशन देने के बाद में बटेक्स को एक्सपोज किया जाता है, ग्लव्स पहने जाते हैं और सपोजिटरी को अनरैप करने के बाद में लुब्रिकेट किया जाता है, ठीक है, और लुब्रिकेट द ग्लोव्ड इंडेक्स फिंगर को भी लुब्रिकेट किया जाता है। उसके बाद में पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए बोला जाता है, उसके बाद में सपोजिटरी को जेंटली एनल कैनल में इंसर्ट कर दिया जाता है एंड राउंडेड एंड फर्स्ट अलोंग द रेक्टम, जो राउंडेड एंड होता है जो सपोजिटरी का उसको पहले इंसर्ट किया जाता है रेक्टम में, ठीक है, बाय ग्लोव्ड इंडेक्स फिंगर। उसके बाद में प्रेस द क्लाइंट बटेक्स थ्रू फ्यू मिनट, ठीक है, उसके बाद में क्लाइंट के बटेक्स को प्रेस करके रखा जाता है कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को बोला जाता है कि वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुपाइन पोजीशन में रहे एटलीस्ट 5 मिनट टू हेल्प रिटेन द सपोजिटरी, ठीक है। तो इस तरह से इस पोजिशन में इस तरह से जो है सपोजिटरी को इंसर्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू।